अमृत वाणी आपका हार्दिक स्वागत करती है। अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने आज प्रातः सरम्बा गांव से मंगल विहार किया। दोनों ओर खेत खलिहान के बीच सड़क मार्ग से होते हुए गुरुदेव गंतव्य की ओर प्रस्थित हुए। आचार्य प्रवर के इस क्षेत्र में प्रथम बार पदार्पण से विदर्भ वासियों में अतिशय उल्लास छाया हुआ है। जगह जगह गांव वासी शांतिदूत के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। बादल वही होने से विहार में आज धूप का परिचय कम रहा, तो कोई कोई पुष्प आदि भी चरणों में सड़क पर अर्पित कर रहा था। गुरुदेव ने सभी को मंगल आशीष प्रदान किया। लगभग 11 किलोमीटर का विहार कर आचार्य श्री धोरवी गांव के विद्यालय में प्रवास हेतु पधारे। मंगल प्रवचन में गुरुदेव ने कहा, पुनर्जन्म के साथ कर्मवाद भी जुड़ा हुआ है कि जैसे कर्म किए हुए हैं तदनुसार फल भोगना होता है, फल मिलता है। महात्मा बुद्ध के कोई पैर में कांटा चुभ गया जो भी, तो बुद्ध ने कहा एक संख्या, इतने जन्मों 91 कितने जन्मों पहले मैंने पुरुष का वध किया था, हनन किया था, उस कर्म के विपाक के कारण आज यह अब यह तकलीफ मुझे हो रही है। कितने जन्मों पहले कोई प्राणी वध का कार्य किया, उस कर्म के फल के रूप में यह पैर में तकलीफ हुई है। तो यह पुनर्जन्म के साथ कर्मवाद तो बड़ा गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म न हो तो जन्म होता ही नहीं है। जन्म मरण होता है सकर्मा, कर्म युक्त आत्मा है वही जन्म लेती है। जो कर्म रहित हो गई, सिद्धावस्था को प्राप्त हो गई, उस आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है। जन्म नहीं तो मृत्यु भी नहीं होती है।